इसी स्टेज में ऐसी बातें कोई नॉर्मल इंसान करेगा? नरेन को मैं काफी सालों से देखता आया हूँ, वो हमारी तरह नॉर्मल नहीं है। ऐसे लोग खुद में खोए रहते, अजीब अजीब सी बातें करते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोग दूसरों के लिए बाद में, पहले खुद के लिए खतरा होते हैं। ये लोग कभी भी अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए मेरी सलाह है कि नरेन को जल्द से जल्द सेंटर में एडमिट करा दीजिए। I can't believe this. ये फोटोग्राफ तो पूरी व्यास फैमिली की किस्मत ही बदल देगी। अब तक जो मुझे नहीं मिला वो सब मेरे बेटे राहुल को मिलकर ही रहेगा। वसु, अब किस बात पे इतराओगी तुम? तुम्हारा बेटा तो हाथ से गया। So frustrating. भाई की क्या हालत हो गई? इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको लगता है कि भाई को दिमागी इलाज की जरूरत नहीं? You know, ताऊजी कितने परेशान रहते हैं? इतना बड़ा बिजनेस अकेले संभालना इट इज नॉट इजी। देखो मुझे भी कब से ऑफिस से कॉल आए जा रहे, मैं नरेन को अकेले छोड़ के कैसे जाऊं? यहां नरेन बाबू के साथ हम सब हैं, आप चाहे तो ऑफिस जा सकते हैं। सर को भी वहां किसी का सहारा चाहिए। राइट, ताऊ जी के लिए तो जाना ही पड़ेगा। आपको रास्ते में कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कॉल कर लीजिए। ये रहा एक्स्ट्रा फोन, बेझिझक कॉल करें। ना दान से, ना यज्ञों से, ना भक्ति से, ना ग्रंथों से मिले हैं सार इस जीवन का, सब त्याग कर उसमें रमने से। नरेन बाबू, नरेन बाबू, नरेन बाबू के पैरों की हालत देखिए, हमें उन्हें रोकना होगा। झूठी हमदर्दी देने की कोई जरूरत नहीं है। गौरी सिर्फ तुम्हारे हाथ से खा रही है इसलिए भाई तुमसे कुछ कह नहीं रहे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम भाई के आसपास घूम सको। देखिए, मैं जानती हूँ सब की शुरुआत मेरी वजह से हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नरेन बाबू का अच्छा नहीं चाहती। मुझे एक बार उनसे बात करनी है। कोई जरूरत नहीं है, भाई से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस बना के रखो, नहीं तो तुम्हें मुझे घर भेजने का नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। याद है ना हरिद्वार से तुम किस तरह भागी थी? सब बताती हूँ। लड़की को सर पर चढ़ा के रखा है और लड़की को देखो झूठ को सच कर करके क्या क्या गुल खिला रही है। प्लीज रेचल, एक बार मेरी बात तो सुन लो। देखो बड़ी मुश्किल से तुम्हारा नंबर मिला है, पूजा दीदी ने तुम्हारे बारे में बताया था, क्या बस हम एक बार मिल सकते हैं? आई प्रॉमिस मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बस 10 मिनट के लिए मिल लो मुझसे। अब पूजा इसे छिपकर लड़कियों से बात करना सिखा रही है। हे भगवान, अब यही देखना बाकी रह गया था कि पूजा चाहती क्या है। खुद तो गुल खिला रही है, मेरे बेटे को भी बिगाड़ रही है। अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। भाई थोड़ा सा कुछ, भाई थोड़ा सा कुछ खा लो, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, अभी हमें और आगे जाना है। लीजिए महाराज, कुछ खा लीजिए। गौरी, थोड़ा सा तो खा लो। देखो हरे हरे पत्ते,
अरे गोरी, अगर खाओगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? चलो ये लो, थोड़ा सा खाओ। अच्छा, मुझसे कोई गलती हो गई क्या जो अब मेरे हाथ से भी नहीं खा रही हो? गुरी, कुछ तो खा लो। मेरे पास एक उपाय है जो नरेन को सही रास्ते पर ला सकता है। लड़की की शादी करवा दीजिए। एक बार नरेन की शादी हुई, लड़के के कंधे पर जिम्मेदारी का बोझ पड़ा तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। भाभी, मैं जानती हूं नरेन शादी के लिए मना करेगा, लेकिन अब हमें थोड़ा जोर डालना पड़ेगा और इस बार आप कोई भी उससे कुछ मत कहिएगा। लौटने दीजिए नरेन को, इस बार मैं खुद उससे शादी की बात करूंगी। पर हर्षा, शादी की बात तो दूर, पहले नरेन किसी लड़की से मिलने को तैयार तो हो। वो तो शादी का नाम सुनते ही उसके तो तेवर चढ़ जाते हैं। कोई बात नहीं भैया, मैं बात करूंगी तो मना नहीं कर पाएगा। और मैंने तो अपने ससुराल में सबसे कह भी दिया है कि नरेन के लायक अगर कोई लड़की निगाह में हो तो मुझे तुरंत बताएं। इस साल हमें नरेन की शादी करवा देनी चाहिए। बस शादी की बात होते ही जीजू और सू इतने परेशान क्यों हो जाते हैं? पता नहीं क्या क्या बातें छुपा कर बैठे हैं ये दोनों। भाई को दिमागी इलाज की जरूरत है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि भाई पागल है, पर भाई नॉर्मल भी नहीं। मैं तो कहता हूं ऐसे लोग दूसरों के लिए बाद में, पहले खुद के लिए खतरा होते हैं। शायद राहुल सही कह रहे हैं, नरेन बाबू को ट्रीटमेंट की जरूरत है। इससे पहले ये खुद को और चोट पहुंचाए, नरेन बाबू को घर वापस लेकर जाना पड़ेगा। सर, नरेन बाबू को किसी इलाज, किसी एम्बुलेंस की जरूरत नहीं। आप बस एक दिन का समय दीजिए, मैं नरेन बाबू को खुद घर वापस लेकर आऊंगी। कल नरेन भी वापस आ रहा है, पूजा का फोन आया था, वो कल नरेन को घर वापस लेकर आ रही है। क्या सोचकर तुमने ये कह दिया कि कल तक तुम नरेन को अपने साथ घर वापस ले आओगी? सिर्फ एक दिन है तुम्हारे पास। अगर तुमने अपना छोटा वादा पूरा नहीं किया तो तुम नरेन को खुद ट्रीटमेंट के लिए सेंटर लेकर जाओगे। जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन इस तरह खुद को दर्द देना भी तो सही नहीं। घर पे सब बहुत परेशान है, आपका इंतजार कर रहे हैं। घर लौट चलिए।